जो नाम नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भगवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होता तो अम्बेडकर लिखता, अम्बेडकर बोलता कि हां बोलना पड़ेगा। अम्बेडकर ने नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा, इंडियन पीनल कोड ने नहीं लिखा, सीआरपी से नहीं लिखा, तो मैं कैसा बोला? मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलते रहिए, आपको बोलने की आदत है, हमको कम बोलने की आदत है, और जब हम बोलते तो सब कान लगा के सुनते, आप सुनो हम नहीं बोलेंगे। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। मगर अजीब बड़ी बात क्या है कि बाबा जो है कपड़े पहनते बाबा, जो जुर्माना नहीं कहते बोले बाबा, प्राइम मिनिस्टर जहां पर गए, कल क्या हुआ, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बैठे हुए हैं और बाबा खड़े खड़े होकर बोल दिए पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। मैं टीवी में देख के बोला क्या है भाई, ये पाकिस्तान टीवी है या इंडिया में हो रहा? होम मिनिस्टर बैठे, ये तो ऐसा हो गया कि शिवसेना का बड़ा लीडर खड़ा है और उसके सामने जाकर कोई बोल रहा असदुद्दीन ओवैसी जिंदा। ऐसे ही बोलते हैं, कोई बुरी बात नहीं, हिंदुस्तान जो लोग हिंदुस्तानी मौलू बोलते नहीं, तू उधर ही जाते, मैं कहां जाता हूं उधर, मेरे पास दादा नहीं गए, मैं इधर ही मरा, वो मर के भी ये खबरों में गए। मगर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बैठो तो है और उन्होंने बाबा बोल रहे पाकिस्तान जिंदा है, तू नेशनलिस्ट मैं गद्दार, क्या बात है बताइए आप? कि वो बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद तो कोई बुरी बात नहीं है, और हम खड़े होकर बोलते रिजर्वेशन दे दो, हिमाच भेद को छोड़ दो, इशरत जहां से इंसाफ करो तो बोलेंगे देखो सरकार नहीं है। यही बहस हो रही है मुल्क में मेरे अजीज दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार नाकाम साबित हो गई, इकॉनमी रिवाइव नहीं हो रही। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग थे जो बोलते थे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब उन्होंने खुद बोल रहे अरे जल्दी हटाओ मोदी सरकार, उन्होंने खुद परेशान है। अपना क्या है, अपन तो बकरी आदमी है, जो अलहमदुल्लाह छोटा मिला अलहमदुल्लाह, बड़ा मिला अलहमदुल्लाह, सरकारी मिली अलहमदुल्लाह, कुछ भी नहीं मिला तो अल्लाह हो अकबर। आपको तकलीफ हो रही क्योंकि पैसा 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 इनको जरूरत है ना। जो लोग बोलते थे अब की बार मोदी सरकार, अब आपको ये कहना पड़ेगा कि अब की बार मोदी सरकार नो नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। और मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो, बार बार जब हमको बोलते कि नेशनलिज्म नेशनलिज्म, मैं आपको बता रहा हूं हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, मेरी पूरी तकरीर को आपको लिखो, एक पॉइंट ही लिखो, अखबार में छापे तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू। हमको बोलते ना इन जा जाते भड़काओ भाषण देते, अच्छा भड़काओ भाषण मैं देता हूं, ठीक है क्या करूं। 27 नवंबर को जम्मू जाने से पहले आर्निया में 3 फिदायान का हमला हुआ, 5 दिसंबर 2014 को उरी में 2 फिदायान, कठुआ राजमार्ग में 20 मार्च 2015 को 2 मिलिटेंट मारे गए, और मरने के बाद अफजल गुरु का नोट मिला,
लंबा आर्मी कैंप मार्च 21-2015 दो मिलिटेंट मारे गए, फिर अफजल गुरु की तारीख में नोट मिले। टांगदार में 27 मई 2015 इन्फिल्ट्रेशन हुआ, एलओसी पर 3 फिदाइन मारे गए। जलंधर में 27 जुलाई जीना नगर 6 सिक्योरिटी हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, शहीद हो गए और 2 फिदायान मारे गए। फिर आप आइए उधमपुर अक्टूबर में, वहां पर 2 सिक्योरिटी फोर्सेस 1 फिदायान। पठानकोट में 2 जनवरी 2016 7 बहादुर सिक्योरिटी फोर्स मारे गए, 6 फिदायान जो पाकिस्तान से आए मारे गए। पंपूर फरवरी 20 तारीख को 2016 में सीआरपीएफ बस पर 3 फिदायान हमला किए, 6 सिक्योरिटी फोर्स मारे गए, 3 दिन का ऑपरेशन चला। अफगानिस्तान में हिरात में हमारी इंडियन काउंसिलेट मई 23, 2014 3 फिदायान मारे गए। जनवरी 3, 2016 मदारे शरीफ पर 4 फिदायान रॉकेट हमला किए, मरने से पहले अफजल गुरु की तारीख में खून से लिखे। जनवरी 13, 2016 में हिरात में 3 फिदायान, मार्च 2, 2016 जलालाबाद में 4 फिदायान, 1 कार बम हुआ। मित्रों ये क्या हो रहा है? मित्रों आज तो बोले थे कुचल दूंगा, 1 साल के जवाब में 10 साल दूंगा, 4 कितने हमले हमें देखो आप, ये सब हमले। यानी अब तक हिंदुस्तान में जब से मोदी पर वजीर आजम बने 42 फिदायान मारे गए, 14 फिदायान हमले हुए और अफगानिस्तान में 4 हुए। बताओ मिस्टर मोदी, आप तो बोले थे ना 1 सर के बदले में 10 सर, आप क्रिकेट में खेल रहे पाकिस्तान से, T20 खेल रहे, क्लीन बॉल हम बोले और आप क्रिकेट खेल रहे बॉलिंग डाल रहे, क्या क्रिकेट में छोड़ा आज? और आप हमको बोलते थे देखो हम अपना नहीं है, अरे हम तुमको तुम्हारे निशानियां पेश कर रहे हैं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? और आप जाकर नवाज शरीफ से ऐसा मिले टीवी पे देखे, आप लाहौर चले गए प्राइम मिनिस्टर, नवाज मिनिस्टर नवाज शरीफ की सालगिरह में केक खाने को, किसान यहां मर रहा वो केक खाने को गए, ठीक है खाओ अच्छा है चाहे पाकिस्तान का केक, हमको तो मुदगीर का बिस्किट अच्छा लगा। नवाज शरीफ के साथ ऐसा दिख रहा था कि कोई मराठवाड़ा की में मेला था किसी जगह पर, 40 साल पहले दो भाया दिख रहे थे, 40 साल के बाद मिले तो ऐसा रफेट के चल रहे थे। वहां गए पठानकोट हुआ, आप हमको बोल रहे पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना? हेलो, हम हिंदुस्तान के थे और है और रहेंगे इंशाअल्लाह, ये वतन मेरा है, मैं पैदा भी हुआ तो अपनी माँ की पेट में 9 महीने रहने के बाद इसी सरजमीन में पैदा हुआ, अगर मेरे पैदा होने के बाद मेरे कान में किसी वाली अल्लाह ने आजान दी तो मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा ये तेरा वतन हिंदुस्तान है, मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने कहा कि मुल्क से वफादारी करना, और जब मेरा जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो मैंने अपने औलाद से कहा कि देखो जब दुनिया से जाऊंगा तो उसी वतन अजीज की खाक में मुझे मिला देना, मेरे से बड़ा कोई वफादार है? मेरे से बड़ा कोई वफादार है क्या बताओ? मगर आपके दौर में फिदायान हमले हो रहे हैं, कश्मीर में हमले कैसे हो रहे हैं, कश्मीर में हमला हो रहा है, हमारी आर्मी मुकाबला कर रही है दहशतगर्दों से, पीछे से नौजवान औरतें लाकर पत्थर फेंक रही आर्मी के ऊपर, बताए तेरा एलिगेशन वहां पर बढ़ गया, मगर कोई बात नहीं, किसी की फिक्र की बात नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये बातें हुई तो कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है दे 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 क्या करना, तो कांग्रेस पार्टी वही मजलिस की वजह से हो रहा,
अरे अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम्हारी गलतियों की वजह से मोदी आया, तुम्हारे करप्शन की वजह से मोदी आया, तुम्हारी क़यादत की कमजोरी, नाहली और मुकन्निस होने की वजह से बीजेपी आई। और बात करें कि कांग्रेस बोलती नहीं मजलिस जा जाती ऐसा होता, क्यों मजलिस जा जाती है, क्या पानी नहीं बरसता? आप क्या किए बताओ, आप बताओ आप क्या किए हिन्दुस्तान के लिए? बीस बैन आज अगर हुआ, 10 साल तक ये बिल प्रेसिडेंट के पास था, वो बिल को वापस ले सकते थे मगर नहीं लिए। आप बोलते हमारी वजह से। हैदराबाद में क्या हुआ कांग्रेस वालों, हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में मंदिर के 44 कारपेटर जीते अल्लाह के फजलो करम से, और कांग्रेस के ओनली 2। हम दो हमारे दो, दो आ गए वहां बीजेपी के कितने, एक बीजेपी का एक, कांग्रेस के 2। हम बोले दोनों को घर में बिठाएंगे, अब इच्छा अल्लाह होगा। मजलिस जहां जाती है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस से बराबर मुकाबला करती है। मजलिस बैठे जो बैठे भाई, फिर कॉपी वाले अभी क्लाइमेक्स पे आ गया। कांग्रेस की तरफ जहां पर हम पहुंचते हैं, अब उदगीर आ गए तो कांग्रेस को बेचैनी शुरू हो गई। इन्हें यहां कहीं क्यों आए, इन्हें क्या करने वाले हैं, यहां पर क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले नहीं है। उदगीर आया हूं, आता रहूंगा इंशाअल्लाह होगा। आपने आरजी यकीन इंशाअल्लाह होगा कौरती ओवैसी के पास और भारत नहीं है आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करने के लिए। मगर आपको पैगाम ये दे रहा हूं मेरे वीर दोस्तों और बुजुर्गो, मेरे नौजवान साथियों, मेरे दलित भाइयों और मेरे नौजवान मुसलमान साथियों, मैं तुमको पैगाम ये दे रहा हूं कि हिन्दुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम सियासत में साले, हिन्दुस्तान की जमहूरियत, हिन्दुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने सियासी जमात को मजबूत करें। अरे 65 साल हमने कांग्रेस का साथ दिया, इन तमाम का साथ दिया। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि छोड़ो उन तमाम पार्टियों को। आज आपके सामने आपकी जमात है, एक हरियाणवी पार्टी है जो आपके मसाइल को बेबाक तरीके से महाराष्ट्र की असेंबली हो या हिन्दुस्तान की लोकसभा में उठाती है। आइए उस जमात का साथ दीजिए। अरे कब तक हम इन लोगों का साथ देंगे जो हमारी इज्जत नहीं करते, जो समझते कि मुसलमान को खुश करना है तो गिरफ्तार की दावत कर दो, दलित को खुश करना है तो अम्बेडकर के पोस्टर पर फूल का माला चढ़ा दो। अरे नहीं दलितों, नहीं मुसलमानों, हमारे मसायल इससे बढ़कर है, बेरोजगारी है, इंसाफ की जरूरत है। आज हिमायत ब्रेक जेल के सलाखों से तुमको आवाज लगा रहा है कि मेरे इंसाफ की लड़ाई में मेरा साथ दो, और मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि जब जजमेंट आएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे इंसाफ करेगा। मुंबई अलिया अल-आमिरा टूर्स एंड ट्रैवल्स पेश करते हैं हज उम्र की बेहतरीन सर्विस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर टिकटिंग की सहूलत, हॉलिडे और टूर पैकेजेस जोड़ों और खानदान के लिए, गल्फ और दूसरे मुल्कों के लिए विजिट और टूरिस्ट वीजा भी फराहम किए जाते हैं। हमारा पता है अल-आमिरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोठी रोड, एबिट्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9000096786 और 9333838310 पर मोहम्मद यूनुस से रब्त पैदा करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9000096786 और 9333838310